वॉटर और वॉर की स्टोरी लाइन होगी सेम? कैसे होगी ये एक्टर और डायरेक्टर की तीसरी फिल्म? हेलो एवरीवन, मैं जिसका नाम बड़ा स्वागत करती हूँ आप सभी का बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। वॉर फिल्म सिद्धार्थ आनंद द्वारा डायरेक्ट की गई थी। ये फिल्म 2019 में रिलीज हुई और ये एक एक्शन फिल्म बॉलीवुड थ्रिलर फिल्म मानी गई। इस फिल्म में वाणी कपूर ने स्पेशल अपीयरेंस भी किया था। ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ दिखे थे मुख्य भूमिका के किरदार में। इस फिल्म में कहानी थी रॉ एजेंट खालिद रहमानी के साथ आगे बढ़ती है, जहां उसे अपने एक्स मैन जॉन कबीर यानी कि ऋतिक रोशन का पीछा करना पड़ता है, जो रॉ एजेंट भी हैं और अपनी फील्ड में सबसे अच्छे भी हैं, लेकिन कुछ वजह के चलते वो अपने रास्ते बदल देते हैं। फिर हमें कहानी के अगले पहलू दिखाई दे जाते हैं। साथ ही फिल्म में काफी एक्शन और भाग दौड़ भी होती है। आदित्य चोपड़ा और सिद्धार्थ आनंद द्वारा बनाई गई इस फिल्म की कहानी अच्छी थी और ट्विस्ट और टर्न से बेहद भरी हुई थी। अब हमें वापस सिद्धार्थ आनंद और ऋतिक रोशन की डायरेक्टर एक्टर की जोड़ी वापस देखने को मिल सकती है। पर क्या फाइटर और वॉर की कहानी में होंगी कुछ सिमिलैरिटीज? क्या हमें फाइटर की कहानी में भी वॉर फिल्म के कुछ सीन्स या कहानी जुड़ती हुई दिख सकती है? आपको बता दें, फिल्म की कास्ट में अनिल कपूर का भी नाम जुड़ चुका है। अब अनिल कपूर अगर हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे तो जाहिर सी बात है उनका किरदार भी वाकई बहुत जरूरी होगा कहानी के लिए। ऐसा बता दें कि अभी तक उनके किरदार का नाम या उनके किरदार से रिलेटेड कोई भी जानकारी शेयर नहीं की गई है। फिल्म की कास्ट में कोई नए चेहरे हमें देखने को अभी तक तो नहीं मिले हैं, पर जल्दी देखने को मिलेंगे, जिनमें से हो सकते हैं विरोध दरकर हिल्दीज और फिल्म में लीड एक्ट्रेस है डिंपल क्वीन दीपिका पादुकोण, जिनका रोल इस बार एक्शन से भरा होगा। और दीपिका और ऋतिक की जोड़ी का क्या सच में धमाल मचाएंगी बॉक्स ऑफिस पर, यह देखने के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। अब अगर बात करें फाइटर की तो बता दें कि फाइटर साल 2022 के रिपब्लिक डे के दिन रिलीज होगी। फिलहाल आप हमें ये बताइए कि आप कितने एक्साइटेड हैं इस फिल्म के लिए। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज को। धन्यवाद।